अरे पगली, तू अगर आज इतना रोएगी तो शादी के दिन विदाई के वक्त क्या हाल होगा तेरा। चुप हो जा चल। सो फाइनली कुछ दिन घर में गुजारने के बाद हम भाई बहन वापस मजदूरी करने के लिए पुणे निकल पड़ते हैं। एक पतिव्रता पत्नी होने का कर्तव्य निभाते हुए हमारी बीवी हमें मदद करने के लिए आगे आती है। अरे संभल के मेरा लैपटॉप है अंदर। इतनी कमजोर नहीं मैं, अपने गांव में बड़े बड़े हाथियों को पीठ में बिठा के घूमती थी मैं। ओए मां। अरे मैडम आप छोड़ दो इसे प्लीज, आप अपने आप को संभाल दो, उतना बहुत है मेरे लिए। जैसे ही हमारी लैम्बोर्गिनी आगे बढ़ती है, गली के कुत्ते गाड़ी के सामने आ जाते हैं। मालिक मत जाओ हमें छोड़ के। अरे मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ। पक्का ना? हाँ रे, ये सब आपके प्यार के वजह से हो रहा है गाइस। इसके गली के कुत्ते भी अब हमें पहचानने लगे हैं, जिसके लिए हम आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। फाइनली हम स्टेशन पहुँच जाते हैं। दोस्तों मैं चाहूँ तो एरोप्लेन में बैठ के 2 घंटे में पुणे पहुँच सकता हूँ, पर मुझे पता है कोरोना के बाद इंडियन रेलवे घाटे में चल रही है, इसीलिए मैं देश का एक सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए जानबूझ के ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। हमेशा की तरह हमारी ट्रेन आज भी लेट चल रही थी, इसी वजह से इंडियन रेलवे ने जानबूझ के ट्रैक्स में बड़े बड़े चूहे छोड़े हुए हैं, ताकि उनको देख हमारा मनोरंजन होता रहे। What? दूसरी तरफ हमारी लड़कियाँ जो थी वो एक दूसरे के सर से जुए निकाल के टाइम पास कर रही थी। ओ मैडम जा रहे हैं हम, आज रोएंगी नहीं? बिल्कुल नहीं। आर यू श्योर? नो। दोस्तों इन लड़कियों को पता नहीं मैंने इस लिप गार्ड में फेविक्विक डाल दिया है, इनका मुंह बंद रहेगा तो ना हम शांति से जी पाएंगे। Nice. बहन मुझे भी थोड़ा मिलेगा? हाँ, क्या? क्यों नहीं, उंगली दिखाओ। ऐसे तो नहीं लोगे ना? अरे नहीं रे। लगाओ लगाओ सब लगाओ। बेटा आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, पर घबराना बिल्कुल मत। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ बस एक फोन कॉल लगा देना मुझे, तेरा प्रॉब्लम वही सॉल्व कर दूंगा। डन पापा। अब आता है विदाई का मोमेंट। बच्चों को दूर जाता देख हमारे पापा आंसू छुपाने के लिए अंधेरे में जाके बैठ जाते हैं। बेटा याद रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एक फोन कॉल, बद्दू मैन अभी जिंदा है। ओके। पापा मैंने आपके जेब से 200 रुपए चुरा लिए, वापस नहीं देने वाली। अरे कोई चैन खींचो रे। नहीं नहीं अब कुछ ना होने वाला, भूल जाओ सारे पैसे। अरे पगली, तू अगर आज इतना रोएगी तो शादी के दिन विदाई के वक्त क्या हाल होगा तेरा। चुप हो जा चल। अंदर घुसते ही हमने देखा किसी ने हमारी सीट पे कब्जा कर लिया था। ओ मैडम उठिए, हमारी सीट है। भैया मैं लंगड़ी हूँ, नीचे सोने दीजिए ना। मेरे भी दोनों पैर नकली है मैडम, चलो उठो इधर से। क्या आप बदतमीज हो? नहीं मैं सिद्धिदास हूँ, उठिए अब। दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। फिर मुझे पापा की कही बात याद आती है। पापा ये लोग वापस शुरू हो गए, सोने नहीं दे रहे मेरे को। अरे बेटा रो मत, तू बस स्पीकर ऑन करके अंदर घुस जा। अरे कोई बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ। फिर अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मस्त नींद लेने के बाद सुबह हमारी आंखें खुलती है रायपुर में। ब्रश करने के लिए जब हमने टूथपेस्ट ढूंढा तो हमें ये मिला। अरे यार मम्मी नया पेस्ट दे दिया होता, कोई देखा तो भयंकर बेइज्जती होगी यार। फेस वॉश से ही ब्रश करना पड़ेगा आज। व्हाट? बहन ब्रश करेगी? ये ले टूथपेस्ट। यार इसमें पानी कौन लाता है यार, हर कोई मिनरल वाटर यूज कर रहा है। एक के बाद एक बेइज्जती हो रही है आज। Oh, no! इधर हमारी बहन न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी, ताकि बाजू वालों को लगे हम बहुत पढ़े लिखे घर से हैं। अबे पागल अखबार तो सीधी पकड़ ले। इधर गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में 3 घंटा लेट से चल रही थी कि अचानक एक टनल आता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। मेरे को थप्पड़ किसने मारा बे? मुझे क्या पता। देखते देखते शाम ढल गई और हमें जोरों की भूख लगने लगी। देखते हैं मेरी बीवी ने क्या भेजा है खाने को। ओके। जूते। दोस्तों देखो मैंने ये अंडा बिरयानी का पैकेट लिया, सिर्फ 50 रुपए में 2 अंडे। Nice. ये रहा एक अंडा। Oh, no. अबे ये तो आधा है। हे भगवान ये भी आधा है। अरे यार मेरे साथ स्कैम हो गया दोस्तों। हे भगवान इतनी गंदगी, वो भी एसी के डिब्बे में। अभी बैंड बजाता इनका। नाइन डरो 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 नाइन डरो डरो डरो। भारतीय रेल में आपका स्वागत है, मैं कैसे आपकी सहायता करूं? हेलो मैडम मैं हमसफर एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ, B8 के डिब्बे में गंदगी फैली हुई है, उसको साफ करवाइए। सर ये छोटी मोटी चीजों के लिए हमें कॉल मत करिए, भारतीय रेल आपकी भी संपत्ति है, खुद ही साफ कर लीजिए। आपका यात्रा मंगलमय हो। इतनी सारी उतार चढ़ाव के बाद फाइनली हम पुणे पहुंच जाते हैं। अबे कुंभकर्ण उठ जा बे। अबे पागल वो घर नहीं लेते, रख इसको। दोस्तों घर जाने के लिए मर्सिडीज बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े ब्लॉगर बन गए हैं कि अभी छोटी मोटी गाड़ियों में बैठना हमें शोभा नहीं देगा।
दोस्तों मैं चाहता तो मर्सिडीज क्या लैम्बोर्गिनी भी बुक कर सकता था, पर अचानक मेरे अंदर का इंसानियत जाग गया कि अगर हम सब लग्जरी गाड़ियां बुक करके घूमेंगे तो इन ऑटो वालों का क्या होगा, इनकी भी तो फैमिली होती है दोस्तों। नाइस। ये देखिए ब्लॉगर सागरी का मुंह छुपा के ऑटो में बैठ गई। दोस्तों गड़बड़ हो गई, घर का लॉक नहीं खुल रहा है। फिर हमारी चोरनी बहन हथौड़े से ताला तोड़ के हमारा गृह प्रवेश करवाती है। अबे तेरी खुद की सकल साइकिल जैसी है तो ऑटो में बैठने में क्यों शर्म आ रही तुझे? What's the matter with you? हो गया भाई, इतना ही था वीडियो। अगले वीडियो में वापस मिलते हैं, पर हाँ इस वीडियो को लाइक किए बिना अगर चले गए तो मैं पद्दू मैन को बुला लूंगा।